तो देखिए जो लोग हैं, जो भी इंपोर्टर एक्सपोर्टर है या जो एक आईसी कोड ऑब्टेन करना चाहते हैं, तो मैं अभी फ्री में बताने वाला हूं पूरा प्रोसेस। दोस्तों नमस्कार, मैं धीरज पांडे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। तो अभी हम जानेंगे कि जो देखिए आईसी कोड अपडेशन का जो डेट था वो 30 जून तक था, अब बढ़ा करके जो अब है वो बढ़ा करके वो 31/7/2021 तक कर दिया गया है। तो देखिए जो लोग हैं, जो भी इंपोर्टर एक्सपोर्टर है या जो एक आईसी कोड ऑब्टेन करना चाहते हैं, तो मैं अभी फ्री में बताने वाला हूं पूरा प्रोसेस कि किस तरह से आप इसको अपडेट कर सकते हैं और किस तरह से आप नया आईसी कोड ले सकते हैं। तो आइए भी हम चलते हैं और सीखते हैं। देखिए हमेशा क्या है कि आप लोगों को लास्ट में चीजें याद आती है। ये जो नोटिफिकेशन है वो फरवरी में आ चुका था और मैंने वीडियो इस पर फरवरी में ही डाल चुका था, लेकिन लोग को याद कब आया अपडेशन, 26 तारीख, 27 तारीख और 28 तारीख के बाद, जब एक या दो दिन बचे थे। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे में वेबसाइट काम नहीं करता है, वेबसाइट क्रैश हो जाता है, जिसके कारण आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरह के इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो इसमें कमेंट करें ताकि मैं उसका सॉल्यूशन निकाल सकूं, क्योंकि मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं एक्सपर्ट का राय लेकर के फिर मैं कोई काम करता हूं। तो आइए अभी हम चलते हैं कि इसको किस तरह से आप नॉर्मली रजिस्टर्ड कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं, वो भी फ्री। अगर नया लेते हैं तो सिर्फ 500 का आपको पेमेंट करना होता है और इसके अलावा कुछ नहीं होता है। अगर आप हमारा सर्विस अवेल करेंगे तो हम उसका चार्ज आपसे लेंगे, क्योंकि एक आईसी बनाने में 2.5-3 घंटे लग जाते हैं अगर साइट सही से काम कर रहा है तो, और ऐसा कभी नहीं होता कि साइट बहुत अच्छे से काम कर रहा हो। तो आइए हम चलते हैं। तो ये एक वेबसाइट है, देखिए dgft.gov.in। तो DGFT का जब आप वेबसाइट ओपन कीजिएगा तो देखिए ये नोटिफिकेशन 58/12/2021 को आया था, जिसमें कहा गया था कि जितने एग्जिस्टिंग आईसी कोड होल्डर हैं उनको 30/6/2021 तक अपना आईसी अपडेट करना है, नहीं तो ये आईसी कोड उनका निरस्त हो जाएगा। जो कि अभी 30 तारीख के मतलब 25 तारीख के बाद साइट बहुत कम स्लो काम कर रहा था, हम लोगों ने कई बार ट्वीट भी किया था। तो अभी आइए देखते हैं। तो ये लिखिए आईसी कोड हैज बीन एक्सटेंडेड, आईसी कोड अपडेशन हैज बीन एक्सटेंडेड अप टू 31/7। तो अभी एक महीना मिल गया है। मैं बहुत ही सिंपल तरीका है, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से किया जाएगा इसको, और आप घर पे बैठे आप कर सकते हैं। इसके लिए कोई डिजिटल सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं चाहिए, अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो चाहिए, अगर प्रोप्राइटरशिप है तो कुछ नहीं चाहिए। आइए हम आराम से सीखते हैं कि कैसे बहुत आराम से हम इसको कर सकते हैं। तो ये देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, आईसी हेल्प डेस्क, आईसी अप्लाई, लिंक योर आईसी, अपडेट योर आईसी, किसी भी चीज पे आप इन तीनों में से, इन तीनों में किसी पे क्लिक करेंगे तो पहले आपको रजिस्टर्ड करना है। जैसे मान लीजिए कि हम हमारा आईसी अपडेट करना है, ठीक है, अब आईसी अपडेट करना है तो यदि ये देखिए लॉगिन और रजिस्टर्ड, तो हम सबसे पहले रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे अगर आप एक नए हैं तो, अगर रजिस्टर्ड हैं तो सिर्फ लॉगिन पे क्लिक करना है। तो क्या होगा कि देखिए पहले हमें सेलेक्ट जो है सेलेक्ट करना होता है इंपोर्टर एक्सपोर्टर, उसके बाद में जो प्रोप्राइटर है या पार्टनर है या डायरेक्टर है उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, या कंपनी का अकाउंटेंट है वो अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालेगा, अपना ईमेल आईडी डालेगा, अपना फोन नंबर जो कंपनी का है, उसके बाद अपना पिन कोड डालते ही ये डिस्ट्रिक्ट खुद सेलेक्ट हो जाएगा, स्टेट खुद सेलेक्ट हो जाएगा, आपको सिटी डालना है। सिटी डालने के बाद में जैसे आप कैप्चा डाल के सेंड ओटीपी करते हैं तो ये आपके पास एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को जब आप डालेंगे तो 15 मिनट का टाइम मिलता है। 15 मिनट में क्या होगा कि आप उस ओटीपी को मोबाइल वाले का मोबाइल वाले सेक्शन में और ईमेल वाले का ईमेल वाले सेक्शन में आप जब डालेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होते ही आपके ईमेल आईडी पे एक मेल आएगा डीजीएफटी की तरफ से, जिसमें आपका जो मेल आईडी है वो तो हो जाएगा लॉग इन आईडी, और एक पासवर्ड डीजीएफटी की तरफ से दिया जाएगा जिसको आपको लॉग इन करके चेंज करना है या डायरेक्ट वही रख सकते हैं। तो आइए अब हम प्रोसेस चलते हैं कि अब आपने जब रजिस्टर्ड कर लिया और आपके पास जब मेल आ गया तो ये है लॉगिन आईडी, इसी वेबसाइट पे ये लॉगिन आईडी है, यहां पे आपको ईमेल आईडी डालना है और यहां पे आपको पासवर्ड डालना है, कैप्चा डाल के लॉगिन करना है। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो सबसे पहली बार में आपको पासवर्ड अपना चेंज करना है, और पासवर्ड चेंज करने के बाद में क्या करना है आइए हम आगे जानते हैं, कैसे अपडेट करना है या कैसे आप नए आईसी कोड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए हम आगे चलते हैं। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो लॉगिन करने के बाद ये आपका इंटरफेस होगा,
ये इंटरफेस जब खुलेगा तो देखिए, अगर ये आप नया ले रहे हैं या पुराना ले रहे हैं आईसी कोड, उसमें ये सारी डिटेलें डालनी है। अगर आपका पुराना भी है तो इसमें नीचे एडिट करने का ऑप्शन आएगा, एडिट करने के बाद में ये सारी चीजें आपको फिल करनी है। कई बार साइट नहीं चलता है तो घबराइए नहीं, ये दोबारा कीजिए, तीन बार कीजिए। कई बार साइट नहीं काम करता लेकिन कई बार साइट काम करता है। अगर आपसे एक बार नहीं होगा तो आपको लगेगा नहीं जी तो हम कर ही नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, आप कर पाएंगे। तो आप कर पाएंगे तो क्या होगा, एक दो बार आपको ट्राई करना होगा, एक दो बार नहीं चलता है सरकारी वेबसाइट, आपको जैसा कि पता है। उसके बाद हम आते हैं, जब हम ये देखिए जनरल इंफॉर्मेशन फिल कर लेंगे, उसके बाद हम आएंगे प्रोप्राइटर डिटेल पे। प्रोप्राइटर डिटेल में आपका जो पैन कार्ड होल्डर है उनके फादर का नाम और उनका नाम वगैरह सब कुछ पैन कार्ड डिटेल से ये वैलिडेट करेगा, और ये वैलिडेट होने के बाद में आपका जो नेक्स्ट विंडो होगा वो होगा आपका बैंक डिटेल। ये देखिए बैंक डिटेल क्या होता है कि कई बार जब आप आईसी अपडेट कर रहे होते हैं तो कुछ दूसरा होता है, और जब आईसी ऑप्टेन हो जाता है तो हो सकता है एक साल के अंदर आप चेंज कर लेते हैं। तो ये गवर्नमेंट का रूल है कि हर साल आपको ये अपडेट करना है, तो मैं इस वजह से ये वीडियो बना रहा हूं ताकि अपना एक लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट कर ले और हर साल आप बनाएं, और आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल फ्री होगा आपके लिए। तो ये देखिए आप अपना यहां अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, अपनी कंपनी का नाम, आईएफएससी कोड, उसके बाद बैंक का, ब्रांच का, और ये आपको सेलेक्ट करना है कि ये प्राइमरी अकाउंट है, और इस पर क्लिक करके अपना एक चेकबुक आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए फिर से आपको ये भी अपडेट करना है, डिटेल और अदर डिटेल्स। अदर डिटेल में देखिए, अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो एक्सपोर्टर सेलेक्ट करेंगे, इंपोर्टर हैं तो इंपोर्टर सेलेक्ट करके उसके बहुत सारे प्रेफरेंसेस खुल जाएंगे कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या प्रोडक्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं तो क्या प्रोडक्ट कर रहे हैं, सबको टिक लगा लीजिए। सबको टिक लगाने के बाद में जब आप आगे बढ़ेंगे तो एक इस तरह का डिक्लेरेशन आएगा। ये तो मैंने सेलेक्ट करने के लिए डिटेल दिया हुआ है कि जब आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो ये सारी चीजें खुल जाएंगी। तो इसमें से आप जो चीज जिस चीज में आपका आईसी कोड है या जिस चीज में जिस ट्रेड जो ट्रेड करता है आपका कंपनी, उस चीज को आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे प्लास्टिक प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट है, कुछ भी जो भी जिसमें आप डील करते हैं उसको आप यहां टिक कर लेंगे। उसके बाद टिक करने के बाद में क्या होगा लास्ट में, क्या हो ये टिक करने के बाद में लास्ट में डिक्लेरेशन आएगा। डिक्लेरेशन के बाद में एप्लीकेशन समरी जो है उस पर क्लिक करने के बाद दो चीज पूछेगा। यदि आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल से लिंक है तो आप आधार कार्ड वाले पे क्लिक करेंगे, एक ओटीपी आएगा आपके आधार कार्ड वाले नंबर पे, और वो ओटीपी डाल के आप सबमिट कर देंगे, आपका आईसी कोड अपडेट हो चुका है। यदि आप नया आईसी कोड ले रहे हैं तो पहले ओटीपी डालेंगे, ओटीपी डाल के वो वैलिडेट करेगा, उसके बाद आपका पेमेंट का लिंक खुलेगा, आप 500 का पेमेंट करेंगे। 500 का पेमेंट करने के बाद क्या होगा, दोबारा वैलिडेट करना होगा, वैलिडेट वही ओटीपी आएगा आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल पे, और ओटीपी आने के बाद वो बिल्कुल वेरीफाई होके नया आईसी कोड हैंड टू हैंड आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। पर ध्यान रहे कि आपको ये जो एक्सरसाइज है वो 3-4 बार करना हो सकता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट वेबसाइट है और थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है इस पे। तो इसके लिए आप टेंशन ना ले कि एक बार में नहीं हुआ तो आप पैनिक ना हो। जैसे 26 तारीख से लेकर 30 तारीख तक काफी लोगों के फोन आ रहे थे, सर मेरा आईसी कोड करो, आईसी कोड नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ध्यान रहे कि आप अगर 31/7 तक का ये डेट है तो आप पहले कर लीजिए इसको। यदि पहले कर लेंगे तो आप टेंशन फ्री रहेंगे, और नहीं तो क्या हुआ कि अगर जो 31/7 के बाद क्या पता डेट बढ़े ना बढ़े और फिर उस टाइम पैनिक क्रिएट हो। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप नया आईसी कोड ले सकते हैं, किस तरह से आप अपने आईसी कोड को अपडेट कर सकते हैं। तो ये सब करेंगे तो ये आप बिल्कुल फ्री कर पाएंगे। अगर आप किसी एजेंट को अगर आप करते हैं तो वो चार्जेबल है, अगर आप हमसे भी कराना चाहते हैं तो वो चार्जेबल होगा। तो आप देख लीजिए, बहुत ही आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है, हो सकता है मेरे से कुछ गलती हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आगे ही इस तरह के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड वीडियो लेकर के मैं आप तक आता रहूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यदि आप एक इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं या आप बनना चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। और जिस तरह से मैंने आपको आईसी कोड के लिए बताया ना, उस तरह से हर एक जो भी रजिस्ट्रेशन है, जो गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन है इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड, मैं वो सारा आप तक रजिस्ट्रेशन लेके आऊंगा और वो बिल्कुल हमारे तरफ से फ्री होने वाला है। जय हिंद, जय भारत।